मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राहुल गांधी पर तंज कसा है। आज प्रेस ब्रीफिंग के दौरान मीडिया के साथियों से बातचीत करते हुए नरोत्तम मिश्रा ने बड़ा तंज कसा राहुल गांधी पर। जिस तरह एक दिन पहले कांग्रेस के नेता पीसी शर्मा खिलौने बांटने के लिए निकले थे, उस पर गृह मंत्री ने तंज कसा है और कहा है, कांग्रेस से सवाल पूछा है कि पहले ये तो बताए कांग्रेस बच्चों के लिए खिलौने इकट्ठे कर रही है या राहुल गांधी के लिए। जिस तरह एक दिन पहले ही कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने कल खरीद कर आंगनबाड़ी जाकर खिलौने बांटे थे, इस पर तंज कसा है गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने। दूसरी तरफ देखिए, दो दिन पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक महत्वपूर्ण बैठक की थी और उस बैठक में ही उन्होंने साफ कह दिया था कि वो 24 तारीख को आंगनबाड़ियों के लिए स्वयं जनता के बीच पहुंचकर आह्वान करेंगे और जन सहयोग से आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए आवश्यक सामान जुटाएंगे। लेकिन एक दिन पहले कांग्रेस ने खिलौने खरीद कर जिस तरह आंगनबाड़ी पहुंचकर बच्चों को खिलौने बांटे हैं, इस पर सियासत गर्मा गई है और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अब कांग्रेस से सवाल पूछा है, तंज कसा है। सुनाते हैं आपको नरोत्तम मिश्रा ने क्या कहा। अब कांग्रेस को यह तय करना चाहिए पहले कि वो आंगनवाड़ी के लिए खिलौने इकट्ठे कर रही है कि राहुल गांधी के लिए खिलौने इकट्ठे कर रही है। अब कांग्रेस को यह तय करना चाहिए पहले कि वो आंगनवाड़ी के लिए खिलौने इकट्ठे कर रही है कि राहुल गांधी के लिए खिलौने इकट्ठे कर रही है। चलिए हम रुक करेंगे, हमारे साथ दो राजनीतिक मेहमान, प्रवक्ता मेहमान फोन लाइन पर जुड़ गए, उनसे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ यशपाल सिंह सिसोदिया जी बीजेपी के विधायक हैं, फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, और दूसरी तरफ के मिश्रा साहब कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सबसे पहले के मिश्रा साहब, मैं आपसे ही समझना चाहूंगा, सीएम शिवराज ने तो दो दिन पहले बैठक करके उनका उद्देश्य स्पष्ट कर दिया था कि आखिर वो क्यों हाथ ठेला लेकर निकलेंगे, जो आवश्यक सामान है आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए वो जुटाएंगे, जन सहयोग से जनता के बीच पहुंचेंगे। कांग्रेस को क्या जरूरत आन पड़ी कि एक दिन पहले अचानक पीसी शर्मा खिलौने खरीद के आंगनबाड़ी केंद्र पहुंच जाते हैं बच्चों को खिलौने बांटने के लिए? दीपक जी, मैं शायद हमारे मित्र राजपाल जी से पूछना चाहूंगा और वो कन्विंस होंगे इस बात पर कि आज मुझे अफसोस हुआ कि माननीय मुख्यमंत्री जी आंगनबाड़ी के गरीब बच्चों के लिए खिलौने इकट्ठे करेंगे 5 बजे, उसके लिए पूरे पेज के अखबारों में विज्ञापन देने की जरूरत क्या थी? यदि लाखों रुपयों के विज्ञापन के बिल यदि मुख्यमंत्री जी की एक इमेज डेवलपमेंट में लगाए जा रहे हैं, तो उससे एक साधारण नौजवान की लघु उद्योग इकाई जो खिलौने को लेकर होती वो खोली जा सकती थी, नंबर एक। नंबर दो, हर जिले में आंगनवाड़ी के बच्चों के लिए खिलौने सप्लाई करने के लिए 15 लाख रुपयों से लेकर 25 लाख रुपए का एक बजट होता है। ये औसत बता रहा हूं मैं आपको, ट्रैवल इलाकों में ज्यादा होता है, मगर सामान्य जिलों में 15 लाख और ये सब मिला के औसत 15 से 25 लाख होता है। तो वो पैसा कहाँ जाता है, वो कौन खा रहा है? LUN के माध्यम से जो सप्लायर है, जिसकी कंपनी रजिस्टर्ड है, वो सप्लायर कौन है जी? और उस सप्लायर को ओवलाइज करने के लिए LUN से निविदा की शर्तें इतनी कठिन बना दी गई कि स्वस्थ परंपराओं में कोई भी पदाय करता उसमें कोई खिलौने सप्लाई नहीं कर सके। तो जब करोड़ों रुपयों का बजट है तो वो कौन अधिकारी और कौन मंत्री खा रहे हैं? और आज इस तरह की नौटंकी करने की सरकार को जरूरत क्या है? और यदि चुपचाप खिलौने मैं जवाब ले लेता हूं, तो यशपाल जी क्या कहेंगे आप? देखिए, मुख्यमंत्री जी की अपील, मुख्यमंत्री जी की आह्वान जनभावनाओं को जोड़ने को लेकर के है, लोग इसमें जुड़े, सरकार अपना काम करती है, करना ही चाहिए। लेकिन सरकार के साथ साथ अगर जन समाज जुड़ता है, जन सामान्य जुड़ते हैं, जन भागीदारी यदि होती है, समाज उठ खड़ा होगा उन आंगनवाड़ी के बालक बालिकाओं के लिए जिनको यदि ऐसी आवश्यक वस्तुएं जिनके घरों के लिए उपयोगी नहीं होगी लेकिन आंगनवाड़ियों के लिए उपयोगी हो सकती है। और मुख्यमंत्री जी के आह्वान और अपील ने इतना असर किया है कि कांग्रेस के पूर्व मंत्री वरिष्ठ नेता श्री पीसी शर्मा जी तो दौड़ पड़े और चल पड़े खिलौने बांटने के लिए। इनको पहले याद क्यों नहीं आई? मुख्यमंत्री जी के आह्वान के बाद अगर कांग्रेस जा रही है आंगनवाड़ी पे तो ये हमारी सफलता है कि हमने खिलौने एकत्रित करने का कहा और मुख्यमंत्री जी के समय से पहले ही कांग्रेस दिखावा करने के लिए तोड़ पड़ी चल पड़ी। एक तरफ कमलनाथ जी इसकी आलोचना कर रहे हैं, इसको भला बुरा कह रहे हैं, और दूसरी तरफ पीसी शर्मा जी जा रहे हैं। कांग्रेस पहले तय तो कर रहे हैं कि वो विरोध कर रहे हैं कि सपोर्ट कर रहे हैं। नेकी की दीवार, हमने एक प्रोग्राम शुरू किया था और तब जब जरूरतमंद लोगों को ठंड के दिनों में
उन घरों में से जहां पर अपेक्षा इस बात को लेकर के होती कि हम दान कर सकते हैं, और वे परिवार उस चौराहे पर जाकर के उस नेकी की दीवार पर अगर कंबल दे देते हैं, स्वेटर दे देते हैं, और वो गरीब के लिए ओढ़ने के काम आ जाता है, कांग्रेस को इसमें भी राजनीति नजर आती है। और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा संवेदनशील मुद्दों को जनता के बीच उठाने का काम किया है, तभी तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तालियों थाली पर कांग्रेस गाली बकती थी, मोमबत्ती जलाने पर कांग्रेस गाली बकती थी। ये कैसा विषय है जिस पर लंबी चर्चा हो सकती है, मुझे एक एक रिएक्शन चाहिए था आप दोनों मेहमानों का। फिलहाल इस चर्चा को मैं यही समाप्त करूंगा। के मिश्रा साहब और यशपाल जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, बीजेपी का कहना है कि तो जनसहयोग की बात है साहब, अगर हमने एक पहल की है तो इसमें कांग्रेस को आपत्ति क्या, और अच्छी बात है कि कांग्रेस हमारे उस जनसहयोग से जागरूक हुई है, लेकिन कांग्रेस इस पर कई सवाल उठा रही है और राजनीति भी इस पर हो रही है।